आपकी कली, आपकी कली। आप फिक्र ना करें, जा बेटे तुम भैया को देखकर और गाय मेरे शाम से ही नजर। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? अभी जो शामिर इस लड़की के साथ कदम से कदम मिला के दाखिल हुआ है, उसी की वजह से अब शर्मिंदगी महसूस करेगा। अपनी इस जल्दबाजी के फैसले पे उसको पछतावा होगा। जब लोग तरह तरह की बातें करेंगे और इस लड़की के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछेंगे, और फिर जब उन लोगों को पता चलेगा कि शामिर ने किन हालात में इस लड़की से शादी की थी, तो क्या बताएगा? कि ये वो उस शख्स की बेटी है जो हमारे घर में नीचे दर्जे का मुलाजिम। सारी उम्र की शर्मिंदगी से बेहतर है कि एक मर्तबा जिल्लत उठा ली जाए। तो ठीक है, जो होता है होने दें, देखते जाए खाला जान। शामिर की बहन लड़की तो बहुत खूबसूरत है। क्या खालाजान की फैमिली में से है? नहीं नहीं, मैं इनकी फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जरूर शामिर की ही पसंद होगी। लो भाई, शामिर भी आ गए। अब चलें शामिर, जल्दी से बताओ, पूरी स्टोरी सुने बगैर तो मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। ये बताओ, कब, कहाँ और कैसे मुलाकात हो गई और शादी का भी फैसला कर लिया?
हेलो जी, मेरी कनीज से बात करा दें। कनीज? कौन कनीज? जी देखिए, मैं कनीज की बहन बात कर रही हूँ। मेरी पहले भी दो बार आपके घर फोन पे बात हुई थी बेगम साहबा से। मेरी कोई मेरी बहन से बात क्यों नहीं करा रहा? मैंने उसे बताना है कि हमारे अब्बा की हालत बहुत खराब है। आप साहब बात कर रहे हैं ना? साहब साहब, हमारे अब्बा की हालत बहुत खराब है। मैंने बेगम साहबा को बताया भी था, शायद उन्हें पैगाम नहीं दिया कनीज को। आप खुदा का वास्ते कनीज को बता दें। अच्छा, पैगाम तो मैं दे दूंगा, लेकिन कनीज इस घर की कोई नई मुलाजमा है क्या? जी असल में मैं आज ही बहुत अरसे बाद बाहर से आया हूँ। मुझे नहीं पता कि कनीज कौन है और वो यहाँ क्या कर रही है। बहरहाल मैं आपका मैसेज उसको दे दूंगा। अब साहब नहीं बात कर रहे तो कौन बात कर रहे? अगर आप शाह मीर अफंदी की बात कर रही हैं तो मैं आपके साहब का बेटा बात कर रहा हूँ, शाहजदर अफंदी। भाई देखो, ये गांव में रहती है और तुम शहर में, तो फिर कैसे मुलाकात हो गई? दरअसल वो एक मीटिंग के लिए जाना पड़ा बाय रोड और रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, तो ड्राइवर को मैकेनिक के पास भेजा और तभी मैं वहां से गुजर रही थी। बहुत परेशान लग रहे थे ये, गाड़ी जो खराब हो गई थी, फिर मैंने इन्हें घर आने की दावत दी। घर आ गई है क्योंकि अब्बा को पहले से जानते थे। गर्मी बहुत थी तो मैंने इन्हें बादाम का शरबत पिलाया। जी बादाम का शरबत पिलाया, इनफैक्ट खुद इन्होंने अपने हाथों से बनाया था, बहुत अच्छा था। अच्छा, तो शरबत के साथ साथ शरबत बनाने वाली भी पसंद आ गई? जी जी, मुझे पहली नज़र में पसंद आ गए थे। ये बहुत अच्छे हैं, बहुत नरमी से बात करते हैं, नजर झुका के। तो इतनी शराफत से आपको इनसे इजहारे मोहब्बत भी हो गया? दरअसल मैंने ही इन्हें पहली बार देखकर डिसाइड कर लिया कि ये मेरी जिंदगी की साथी बनेगी। लेकिन फिर भी आपको इनमें सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? इनकी मासूमियत। मैंने फैसला कर लिया, इनके अब्बा से बात की और इनका हाथ मांग लिया। अच्छा, तो आपने हाथ मांगा और इन्होंने दे भी दिया, मगर कैसे? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है क्योंकि दोनों की उम्रों में इतना फर्क है। और जहाँ तक मैंने सुना है कि कनीज के वालिद आपके यहाँ काम करते रहे हैं, तो कहीं उन्होंने अपनी मजबूरी और गुर्बत से तंग आकर कहीं ज़बरदस्ती तो ये निकाह नहीं कर दिया? देखें, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया ना, मुझे पहली नज़र में पसंद आ गए थे। फिर अब्बा ने मुझसे पूछा तो मैंने फ़ौरन से हाँ कर दी। सोचने वाली बात ही नहीं थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी बरसों पुरानी कोई ख्वाहिश पूरी हो गई हो। और वैसे भी इन जैसे शख्स से शादी करना तो हर लड़की का ख्वाब होता है। शाहमीर अफंदी की बात कर रही हैं तो मैं आपके साहब का बेटा बात कर रहा हूँ, शाहजदर अफंदी। आपका बेटा? अब्बा ने तो कभी इस बारे में बताया ही नहीं। साहब के बच्चे जवान हैं, तो कनीज को कितना बुरा लगा होगा ये जानकर।
बेटे मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। फयाज भाई इनसे मिलो, ये है मेरे बेटे शाहज़र। और शाहज़र इनसे मिले, ये है कनीज मेरी बीवी। Can't believe this. जो बंदा 18 साल से कम उम्र घर में सर्वेंट नहीं रखता, उसने 18 साल से कम लड़की से शादी कर ली। डैड आप अपनी दूसरी शादी को तो जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आपने अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी कर ली? Never. कभी नहीं कर सकी। मेरा गुस्सा वाकई बहुत बुरा है श्री। तुमने हमेशा कहा कि मुझे इसे काबू में रखना चाहिए, पर कभी कभी मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता। और गलती सिर्फ मेरी तो नहीं थी, उस लड़की को तुम्हारी चीजों को हाथ लगाने का हक किसने दिया? फिर भी मुझे इस तरह नहीं बिहेव करना चाहिए था। मैंने उसे दुख पहुंचाया श्री, उसका दिल तोड़ा और तुम्हारे दिल को भी तकलीफ पहुंची होगी, क्योंकि तुम तो एक चूंटी को भी सफर करते हुए नहीं देख सकती। और तुम फिक्र मत करो, मैं उससे माजरत कर लूंगा। इनकी मासूमियत, मैंने फैसला कर लिया, इनके अब्बा से बात की और इनका हाथ मांग लिया। तेरा प्यार जिंदगी मेरी जिंदगी है तू मेरा यार, मेरा प्यार बस तेरी दासी हो गई मैं, ऐसे तुझ में खो गई मैं, तेरी दासी हो गई मैं, ऐसे तुझ में खो गई। मेरी जीत मेरी हार बस तू ही तू, ये जमीन ये फलक तुझ पे सब वार दूं जानवारी, तमाशा शुरू हो गया। रोजाना 3-4 इनविटेशन होते हैं तुम्हारे और उस लड़की के लिए,
कोई लंच पे बुलाना चाहता है, कोई डिनर पे। प्लीज अम्मा जी इनकार कर दें। भाई कोई एक हो तो मना करूं, वैसे भी ज्यादातर तुम्हारे रिश्तेदार हैं, मेरे इनकार करने से मुतमइन नहीं होंगे। तो बेहतर है कि अगर तुम खुद ही जवाब दे दो। इसीलिए मैं इन सारे झंझटों में नहीं पड़ना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था एक बार रिसेप्शन हो जाए ऐसा ही होगा। पता नहीं कौन लोग हैं ये, दूसरों के पर्सनल लाइफ में झांकना बहुत पसंद करते हैं। शाजर नाश्ते पे नहीं आया? कल रात अचानक पार्टी से भी निकल गया। सफीना बोलो। हाँ शाजर मुझसे नाराज तो है, लेकिन फिर भी सफीना मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसके दिल में किसी भी तरह की गलतफहमी रहे। आपने ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करवा दिए? वो पैसों का इंतजाम तो अभी नहीं हो सका। फिर ये नहीं यहाँ रखने का कोई फायदा नहीं है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ वार्ड में हम ज्यादा देर किसी मरीज को बिना वजह नहीं रख सकते हैं। मेरी बात सुनो, बस मुझे एक दो दिन का वक्त दे दो, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी कहीं ना कहीं से। वैसे भी अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं ये, इनके आखिरी दिन है जो घर में ही गुजर जाएंगे। यहाँ भी तो मरना है, तो बेहतर है घर में ही मर जाए ताकि बेड किसी और को मिल जाए। आगे और भी लोग लाइन में लगे हुए हैं। तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की, जो तुम्हारे मुंह में आ रहा है तब से तुम बोली जा रही हो। तुम बिना वजह चोरी हो गई हो, चलो निकलो यहाँ से। सरकारी हॉस्पिटल को तो अपनी नानी का घर समझ के डेरा ही जमा लेते हो तुम लोग। इलाज करवाना है तो पैसों का इंतजाम कर लो। सुगरा, हाँ एक बात बताओ। चलो मैंने उस दिन कनीज बीबी को बड़ी बेगम साहिबे के कपड़े निकाल कर पहना दिए उनके नाना कहने के बावजूद, लेकिन कल जो कुछ हुआ उसके पीछे कौन है? क्या मतलब कौन होगा? इतनी भोली मत बनो, कल तुम ही लेकर गई थी ना कनीज बीबी को तैयार करवाने के लिए। सारी शॉपिंग तो सफीना बीबी ने करवाई थी, फिर कनीज बीबी के बाद बड़ी बेगम साहिबा का जेवर कहाँ से आया? सच सच बता दो मुझे। मुझे क्या पता, चुरा लाई होंगी? ना ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे कनीज बीबी में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि सारा दिन वो भूखी मर रही होती हैं एक कदम कमरे से बाहर आके खाना मांग ले, तो वो फिर बड़ी बेगम साहिबा के जेवर कैसे लेकर आएंगी? मुझे ये बताओ इस सब बात के पीछे किसका हाथ है, सच सच बताओ। अब तुम कल की आएगी मुझ पे इल्जाम लगा रही हो? अरे मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रही हूँ, कभी एक दिन का इधर से उधर नहीं किया है मैंने, और मुझे क्या जरूरत पड़ी है ऐसा घटिया काम करने की? बिना वजह मतलब मुझे क्या मिलेगा? हाँ हो सकता है सफीना बीबी ने किया हो, सफीना बीबी ने वो जेवर चुराए हो और कनीज बीबी को दे दियो ताकि उनकी शामत आ जाए। सफीना बीबी ऐसा क्यों करेंगी? उनके पास वजह है ऐसा करने की। कितने अरसे से वो नजर जमा के बैठी हुई है साहब पर कि जैसे ही मौका मिले और वो साहब से शादी कर ले।
लेकिन दुल्हन बनकर आ गई है लड़की, तो कहीं ना कहीं तो उन्हें गुस्सा निकालना था ना, और साहब की नजरों से भी गिराना था, तो बस उन्होंने चल ली होगी कोई चाल। अच्छा बाबा, मैं भूल गया था कि आज सैटरडे है और सैटरडे आपका ऑफ होता है। कैसे भूल गए थे? मैंने आपको कल रात को तो याद दिलाया था कि कल का सारा टाइम आपको मेरे साथ स्पेंड करना है। हमें आउटिंग के लिए भी जाना था, मैं सुबह से वेट कर रही थी और आप गायब। वो तो अभी कौन सी देर हुई है, आधा दिन है ना हमारे पास। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। मुझे नहीं जाना, 4 बज गए। अब अपना आधा दिन तो दोस्तों के साथ गुजारा है, मुझे तो आपके साथ सिंड्रेला की मूवी भी देखनी थी, उसका भी शो खत्म हो गया होगा। मुझे आपके साथ लंच भी बाहर करना था, आपने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। अच्छा मेरी बात सुनो, आप अभी जब तैयार हो जाओ तो हम निकल जाते हैं, राइट नाउ, डोंट वरी। मुझे नहीं जाना, आपको पता है ना नानो हमें लेट नाइट कभी भी बाहर रहने की इजाजत नहीं देती। उनके सख्ती से ऑर्डर होते हैं कि रात 9 बजे तक घर वापस आ जाए। मुझे सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक आपके साथ टाइम स्पेंड करना था, मुझे नहीं चाहिए आपके 2-3 घंटे। क्या देख रही हैं आप? कुछ भी तो नहीं। लेकिन आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आप कोई तमाशा देख के उससे लुत्फंदोज हो रही है। आप खुश है कि पनिया नाराज है मुझसे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप बहुत अच्छे लग रहे थे उसको इस तरह बनाते हुए। मेरा कोई भाई नहीं है ना असल में, मुझे पता ही नहीं है कि भाई अपनी बहनों से इतना प्यार करते हैं, और अगर वो नाराज हो जाए तो इस तरह परेशानों के इतने जतन करके मनाते हैं। मान जाएगी उसे आपके साथ 12 घंटे गुजारने थे ना, आप उसके साथ 20 घंटे गुजारे। क्या मतलब? मतलब ये कि कल इतवार है और अभी 5 बजने वाले हैं, अभी 5 बजे से लेकर कल रात 9 बजे तक उसके साथ वक्त गुजारे, इससे अच्छी उसके लिए और क्या बात होगी, और वो खुश भी हो जाएगी। हो गए तुम लोगों के चक्कर शुरू, पहले बाप आया था अब बहन। देखो शरीफ लोगों में जब शादी होती है ना तो ससुराल की दहलीज नहीं पकड़ लेते। देखिए मेरा मेरी बहन से मिलना बहुत जरूरी है, मैंने आपको बहुत दफा फोन किया, मेरी आपसे बात भी हुई थी, मेरे अब्बा बहुत बीमार है, वो एक बार कनीज से मिलना चाहते हैं। बाप बीमार है ना तो डॉक्टर के पास लेके जाओ, कनीज को मिलके क्या करेगा वो। आप किस पर बिगाड़ रही हैं अम्मा जी? साहब साहब मेरे अब्बा बहुत बीमार है, वो एक बार कनीज से मिलना चाहते हैं, मैंने बहुत फोन किए थे, लगता किसी ने उसको बताया नहीं। भाई किसी मुलाजमा से बात हुई होगी, वो बताना भूल गई होगी या फिर उसको पहचाना नहीं होगा, वरना इसमें ऐसी छुपाने वाली कौन सी बात है जो हमें से पैगाम ना देते। कनीज अपने कमरे में है, जाओ। और अगर उसे अपने साथ ले जाना चाहती हो तो गाड़ी ड्राइवर बाहर। वैसे शाजर कहाँ है? मैं उसी से मिलने घर आया हूँ। वो परनिया के साथ कहीं बाहर जा रहा है। वैसे शामिर तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है कि तुम उसके लिए घर आए हो, जिसके लिए घर आए हो ना उसके पास जाकर बैठो। तो आप ये कहना चाहती हैं कि मैं आपसे मिलने आया? शामिर तुम इस लड़की को सर चढ़ा रहे हो, पछताओगे तुम। देखो अभी तो शुरुआत है, ये नौकर पेशा लोग हैं, उंगली थमाओगे तो पूरा हाथ पकड़ लेंगे,
उन्हें उनकी हद में रखना सीखो। बाजी, कब आई बताया ही नहीं। कैसे बताऊं? तुमसे तो बात भी करना मुश्किल हो गया, फोन पर भी नहीं मिलती हो ना तुम, बहुत बड़ी बेगम साहबा बन गई। वो ये बताओ कि अकेली आई हो या अब्बा के साथ? अब्बा के साथ आई हूँ, और तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रही हूँ दो दिन से कि अब्बा वो फो अब्बा ने तुम्हें भेज दिया होगा मुझसे मिलने के लिए, वही पुरानी सोच के बेटी घर नहीं जाना अच्छा नहीं लगता। चलो मैं खुद मिलाऊंगी। ये बताओ कि कहाँ ठहरे हुए तुम लोग, अभी तो हो ना एक दो दिन। यही फैसला तो नहीं कर पा रही हूँ कि अब्बा को लेके यहाँ रुकूं या वापस चले जाऊं। अब यहाँ आई गई हो ना तो इधर तो आओ। ये देखो कितने अच्छे अच्छे कपड़े दिलवा के दिए, महंगे वाले हैं, इतना कुछ दिलवा के दिया। असल में आज ना उनके दोस्त के यहाँ दावत है तो मैं पहली बार उनके साथ जा रही हूँ, ऐसी घबराहट सी हो रही है। अगर अच्छी तैयार ना हुई तो उन्हें शर्मिंदगी होगी, है ना? तुम अपने शौहर के साथ पहली दफा बाहर जा रही हो? हाँ, उन्होंने पैगाम भिजवाया था कि वक्त से तैयार हो जाना। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अच्छा हो तुम आ गई, अब मुझे अच्छा सा तैयार करना। कहाँ ठहरे हुए तुम लोग, अभी तो हो ना कल तक यहाँ पे? नहीं, मैं अब्बा को लेके ना आज ही गांव वापस चली जाऊंगी, मगर तुम्हें मैं तैयार कर दूंगी अच्छे से। तुम खुश रहो, अपने शौहर के साथ खुश रहो, मगर एक बात का ख्याल रखना, जब वक्त मिले ना तो एक आध दिन के लिए आकर अब्बा से जरूर मिल लेना, वो बहुत उदास है तुम्हारी वजह से। अरे वाह, कहीं जाने की तैयारी हो रही है? जी, पनिया को आउटिंग पे लेके जा रहा हूं। लगता है नाराज हो मुझसे, गालिबन मेरी दूसरी शादी की वजह से। डैड, मैं नाराज जरूर हूं आपसे, मगर सिर्फ आपकी दूसरी शादी कर लेने से नहीं। आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई हर्ड दिस न्यूज, बट मैं नाराज किसी और वजह से। तो क्या मैं वजह जान सकता हूँ? डैड, अगर आपको किसी वजह से दूसरी शादी करनी पड़ ही गई थी तो क्या इसके लिए जरूरी था कि अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी करते आप? वो मुझसे भी छोटी है। शाहजर, मेरी शादी बहुत ही अजीब हालात में हुई है। ना, उन्होंने बताया मुझे सब कुछ, बट सॉरी टू से डैड, कोई लॉजिक नहीं बनती। आप उसकी हेल्प किसी और तरह से भी कर सकते थे। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरी वजह से उसकी जिंदगी खराब हो सकती थी हमेशा के लिए। अब भी आप ही की वजह से उसकी जिंदगी खराब हो चुकी है। आखिरी दिन है जो घर में ही गुजर जाएंगे, यहां भी तो मरना है तो बेहतर है घर में ही मर जाएं। हो गए तुम लोगों के चक्कर शुरू, पहले बाप आया था अब बहन। असल में आज ना उनके दोस्त के यहां दावत है तो मैं पहली बार उनके साथ जा रही हूँ।
बेटा कहाँ चली गई थी? डॉक्टर के पास गई थी, उसे इजाजत लेने। मुझे पता है अब आप यहाँ तंग आ गए, तो मैं डॉक्टर से कहने गई थी कि हमें घर जाने की इजाजत दे दो। ओए अल्लाह तेरा शुक्र है, बेटा यहाँ मेरा बड़ा दिल घबरा रहा है। तू देख लेना, अपने घर चला गया ना, मैंने भला चंगा हो जाना। ना मेरी टोपी पकड़ा, हाय टोपी, चलो मैं घर चले, चल बेटा चल। देख ले कनीज नहीं आई मुझे देखने, ये कैसे हो सकता है कि उसे मेरी तबीयत की खराबी का पता चले और उसे ये भी पता हो कि मैं इसी शहर में हूं और फिर भी मुझे देख ले रहा है। सच बताऊं अब्बा? हाँ? मैंने कनीज को नहीं बताया कि आप बीमार हो। हाँ? मैंने उसे बताने की कोशिश की थी, पर अब्बा उसकी अभी नई नई शादी हुई है, वो अपने मियाँ के साथ खानदान की दावतों में जा रही है, बड़ी खुश है वो। मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं उसे आपकी बीमारी का बता के परेशान करती। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया, जिंदगी में पहली दफा तूने कोई अकल वाली बात की बेटा। अब आप इतनी अकल तो मुझ में है, मैं उसके खुशी से दमकते हुए चेहरे को आपकी बीमारी का बताकर बुझाया हुआ नहीं देख सकती थी। बिल्कुल सही है बेटा, चल बेटा अपने घर चल, चल। लो भाई, जस्ट द वे यू लाइक। चलो शुक्र है किसी बहाने तुम्हारा मूड तो ठीक हुआ। कैसे ठीक नहीं होगा, आप इतना ढेर सारा टाइम जो स्पेंड करने वाले मेरे साथ। वैसे एक बात है भैया, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतना अच्छा आइडिया आपको कैसे आ सकता है। आई मीन होल डे और हाफ डे मेरे साथ, सच सच बताएं किसे दिया ये आइडिया? क्या हुआ भैया? नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम अपनी आइसक्रीम खाओ। कहाँ जा रहे? सफीना के घर, उसने हमारे लिए एक छोटी सी पार्टी रखी। वो कल मैं जी? अब तुम्हारे कान के जख्म कैसे हैं? काफी बेहतर हो रहे हैं। दरअसल मैं नहीं चाहता था वो गलती की वजह से। हम सफीना बाजी के जा रहे ना? हाँ, सफीना बाजी।
आपकी कनीज।